मसूरी हाथीपांव से जॉर्ज एवरेस्ट जाने वाली सड़क का हाल बदहाल हो चुका है। सड़क पर गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क है, इसका अनुमान लगा पाना बेहद मुश्किल है। मसूरी नगर पालिका और पर्यटन विभाग की लापरवाही का खामियाजा स्थानीय लोगों के साथ देश विदेश से मसूरी जॉर्ज एवरेस्ट घूमने जाने के लिए आने वाले पर्यटकों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई वाहन अनियंत्रित होकर क्षतिग्रस्त भी हुए हैं तो कई लोगों को भी चोटें आई हैं, परंतु बेपरवाह नगर पालिका और पर्यटन विभाग के अधिकारी इस ओर ध्यान देने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है, जिससे लोगों में अब आक्रोश उमड़ रहा है। इस पूरे मामले पर स्थानीय लोगों का क्या कुछ कहना है, सुनिए। देख रहे हैं आपके सामने है टूरिस्ट पैलेस है, ये जॉर्ज एवरेस्ट की वजह से कितना टूरिस्ट आता है, कितनी गाड़ियाँ, सड़क की हालत की सड़क को देखने को पूछने को कोई तैयार नहीं है। नगर पालिका बिल्कुल मौन है। आगे जहाँ तक नगर पालिका ने कुछ बनाया है, आगे दूधली जहाँ पाइपलाइन खोदी है थोड़ा सा उसको बना रहे, उसके बाद सड़क का और ये सड़क का हाल देखो। यहाँ पर कई लोग चोटिले होते हैं, कई लोगों की गाड़ियाँ गिरती है, यहाँ पर गाड़ियाँ निकालनी पड़ती है, सड़क की हालत देखो। लेकिन नगर पालिका बिल्कुल इसके बारे में ना सोचा ना किया ना कुछ नहीं। कोई भी अधिकारी टूरिज्म में पर्यटन विभाग में ऊपर जॉर्ज एवरेस्ट जाते हैं, लेकिन सब आँख मूंद के जाते हैं, कोई देखता नहीं, ना कोई इसकी कंप्लेंट करता, ना कोई इसकी शिकायत करता, ना इसके बारे में किसकी सोच है ना विचार है। थाना आप देख रहे हैं कि क्या हाल है इस सड़क का, इतना बुरा हाल है। एक दूसरी चीज़, यहाँ पर पर्यटन स्थल होते, यहाँ पर बाथरूम की जो दिक्कत है वो लोग जानते हैं कि जिस समय इतने लोग आते हैं और यहाँ पर चारों तरफ महिलाएं को देख, इतना बुरा हाल है कि वो पूछते रहते घरों घरों में घुसते कि कहाँ बाथरूम है, कहाँ बाथरूम है, लेकिन एक ना बाथरूम है कोई। तो क्या नगर पालिका से, नगर पालिका क्यों इसकी मालिक बनी हुई, यो देखे तो सही। क्या नगर पालिका पहली बार ये नगर पालिका बनी जो आज तक, इसको पहले तो कभी नहीं इस तरीके से हुआ। पहले तो सड़कें बनी हुई होती थी, सब कुछ ठीक होता था। आज तो नगर पालिका ने बिल्कुल आंखें मूंद रखी, इधर देखते भी नहीं, वो दिए भी नहीं। मेरी समस्या तो वो ये जानते कि ये नगर पालिका में है ही नहीं ये क्षेत्र। हाँ बदहाल तो है, मतलब अच्छा बनाना चाहिए, सरकार को चाहिए, नगर निगम को भी चाहिए कि एक अच्छा, मतलब टूरिस्ट आते हैं देश विदेश से, तो एक अच्छा सा रोडे बनाएं, उनके लिए सुविधाएं करें कि अगर उस पर चढ़ना है पहाड़ पे तो कार की सुविधा हो, गाड़ी की हो, जगह जगह सीट पड़ी हो जिससे इंसान बैठ सके। ये नहीं पता लग रहा कि सड़क है कि गड्ढे में खड़े हैं। बीमार इंसान, मैं बीपी की मरीज हूँ, अब गाड़ी से मैं आई हूँ यहाँ तक नहीं आ सकती, दिक्कतें हैं, दिक्कतें बहुत हैं। तो हम सरकार से चाहेंगे और नगर निगम से चाहेंगे कि एक अच्छा सौंदर्यीकरण करें यहाँ की सड़कों का, जिससे कि और आगे तरक्की हो, पर्यटकों को सुविधाएं भी मिलें।